केजीएफ ने जितनी चर्चा बटोरी उससे कई ज्यादा चर्चाएं बटोर रही है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2। यहां पर संजय दत्त का अधीरा लुक हाल फिलहाल में काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि यश स्टारर ये फिल्म हाल ही के दिनों में काफी चर्चाएं बटोर रही है। इस फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पर संजय दत्त के अधीरा लुक की। हर कोई जानना चाहता है कि संजय दत्त का ये लुक कहाँ से इंस्पायर्ड है। आपको बता दें कि संजय दत्त का ये जो लुक है वो काफी ज्यादा इंटेंस है। उनके फेस पर टैटूज हैं, एक स्वॉर्ड है उनके पास और उन्होंने लुक्स भी काफी इंटेंस दिए हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि इतना ज्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग लुक अभी तक संजय दत्त का किसी भी फिल्म के किरदार में देखने को नहीं मिला। 61 साल के संजय दत्त के जीवन में उनके करियर में ये एक अलग उछाल लेकर आएगा। ऐसे में आपको बता दे कि संजय दत्त का ये लुक इंस्पायर्ड है ब्रूटल वेज ऑफ द वाइकिंग्स के मेन लीड से। जी हाँ दोस्तों, आप इन दोनों ही किरदारों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी नोटिस कर सकते हैं। खुद प्रशांत नील ने भी अधीरा का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए बताया था कि अधीरा का लुक ब्रूटल वेज ऑफ द वाइकिंग्स के लीड कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया। इसके साथ ही संजय दत्त के इस लुक की काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। संजय दत्त के अधीरा लुक को उनके बर्थडे पर दुनिया के सामने रखा गया और तब से ही ये चर्चाओं का विषय है। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि यश स्टारर ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जब रिलीज होगी तो ये क्या कुछ तहलका मचाएगी। आपको बता दें कि ये फिल्म कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज होगी और फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुआ था और उसी के साथ ही ये बस बन गया था कि चैप्टर 2 कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और जिस तरीके से इसका टीजर सामने आया है और कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक सामने आया है उससे तो यही उम्मीद है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।